से स्वागत है जगदीश का रघुड्रामा में। आज हम उपस्थित हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की बोगीबिल ब्रिज के पास। ये बोगीबिल ब्रिज एशिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है और ये ब्रिज बनाने में लगभग 200 महीने लगा था। ये ब्रिज 2002 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ख़त्म हुआ लगभग 17-18 साल के बाद 2019 में बनकर पूरा हो गया था। ये ब्रिज बनने के बाद ही ये धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर और अरुणाचल के जो रोड कम्युनिकेशन है, जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी सिस्टम डेवलप होने लगा। क्योंकि उससे पहले तो ये आप लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा सा ये ब्रह्मपुत्र है, बड़ा सा नदी, सागर जैसा ही लगता है अभी, क्योंकि बाढ़ के टाइम, समर के टाइम इस तरह बड़ा होता है। एक्चुअली इस पार से उस पार तक दिखाई नहीं देता पानी। समर के टाइम ये नदी पार करने में, ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने में लगभग 2-3 घंटे लग जाता था। एक्चुअली अभी तो देखा जाए तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज लगभग 5 किलोमीटर लंबाई है। बोगीबिल ब्रिज पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले के बीच एक संयुक्त सड़क और रेल पुल है, जिसे वर्ष 2002 में शुरू किया गया था और बोगीबिल नदी को पूरा करने में कुल 200 महीने लगे थे। पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का पहला पुल है जिसमें पूरी तरह से वेल्डेड स्टील कंक्रीट सपोर्ट बीम है, जो रिक्टर पैमाने पर 7 तक भूकंप का सामना कर सकते हैं। ये एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है और इसकी सेवा योग्य अवधि लगभग 120 वर्ष है। ये भूपेन हाजरिका सेतु, दिवांगा नदी पुल, महात्मा गांधी सेतु और बांद्रा वरली सी लिंक के बाद भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की अध्यक्षता में निर्माण कंपनियों को एक संघ द्वारा किया गया था। पुल के निचले डेक पर डबल रेल लाइन और ऊपरी डेक पर 3 लेन की सड़क है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर किया था। ये ब्रिज का लोकेशन है ना, ये लोकेशन डिब्रूगढ़ सिटी से या डिब्रूगढ़ टाउन से आई थिंक 17 किलोमीटर डाउन साइड है और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से लगभग ये 35-37 किलोमीटर अप साइड है। अभी जैसे ये ब्रिज बना, उसके बाद आसपास के जितने भी गांव हैं, गांव का डेवलप होने लगा, ये बिजनेस भी डेवलप होने लगा, रोड कम्युनिकेशन डेवलप होने लगा। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को एजुकेशन के लिए जाना है, जिस काम के लिए भी जाए, इस ब्रिज के वजह से बहुत ही कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होने लगा। बोगीबिल ब्रिज डिब्रूगढ़ और धेमाजी से 17 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है और दक्षिण में डिब्रूगढ़ शहर को नदी के उत्तर में धेमाजी से जोड़ेगा। ये पुल असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा के केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित है और ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लगभग 5 मिलियन लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करने में कोलिया भूमुरा सेतु तेजपुर के विकल्प के रूप में कार्य करता है। बोगीबिल ब्रिज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। अपने स्थान के कारण भारत के लिए सामरिक महत्व का है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत के साथ सीमा पर सैनिकों और आपूर्ति को परिवहन करने की भारत की क्षमता को काफी आसान बनाता है। तीव्र वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका निर्माण इस तथ्य से काफी धीमा हो गया था। बड़े पैमानों पर नवम्बर और मार्च के बीच 4 शुष्क महीनों की अवधि के दौरान ही हुआ था। रोड कनेक्टिविटी पुल राष्ट्रीय राष्ट्रमार्ग 15 के माध्यम से असम में धेमाजी जिले और डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ता है। रेल कनेक्टिविटी बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोंगिया मोरकोंग सेलेक्ट खंड और दक्षिणी तट पर स्थित लामडिंग डिब्रूगढ़ खंड के बीच एक कनेक्शन प्रदान करता है। और ये बोगीबिल ब्रिज का स्टोरी थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं मैं। ये पुल 1985 के असम समझौते में अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है और संधि के अनुसार असम में स्थापित की जाने वाली कई प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं में एक था। 1997-98 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था और नवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी। पुल की नींव जनवरी 1997 में प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण का उद्घाटन केवल 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इस परियोजना को उद्घाटन के
के बाद 6 वर्षों में पूरा किया जाना था। हालांकि धन और ध्यान की कमी के कारण 2007 तक काम शुरू नहीं हुआ था। उसी वर्ष बोगीबील ब्रिज को भारत सरकार द्वारा 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था, लेकिन असम में कांग्रेस सरकार के बावजूद कार्यान्वयन धीमा था। तदनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने परियोजना लागत 75% वित्त पोषित किया, जबकि रेल मंत्रालय ने शेष को वित्त पोषित किया। परियोजना पर वास्तविक कार्य केवल 2011 से ही शुरू हुआ था। अप्रैल 2008 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पुल की उपसंरचना के निर्माण के लिए गेमन इंडिया को अनुबंधित किया, जबकि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, DAHT, ब्रुकलिन बॉ, जर्मनी और BNR इंफ्रास्ट्रक्चर के एक संघ ने अधिरचना के निर्माण के लिए बोली जी थी। पुल का निर्माण समय के साथ बड़े समय और लागत के वृद्धि के अधीन था। शुरू में अनुमानित लागत 1767 करोड़ थी, जो 2014 तक बढ़कर 4996 करोड़ हो गई। 25 जुलाई 2014 को भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य पुल में 42 पुलों में से 36 नींव और 40 में से 28 घाटों का निर्माण पूरा हो चुका था, जबकि 41 में से 2 गाड़ों का शुभारंभ किया भी जा चुका था। मार्च 2014 तक परियोजना पर 3041 करोड़ का व्यय किया गया था और वर्ष 14-15 के लिए 6000 करोड़ का और एक परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद इस परियोजना के होने की उम्मीद थी और अंत में मार्च 2017 तक ये पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। 2 दिसंबर 2018 को पहली मालगाड़ी ने इसे पार करते ही पुल खोला। 25 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बोगीबील पुल का उद्घाटन किया और तिनसुकिया और नाहरलगुन को जोड़ने वाली एक इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। पुल की कुल लंबाई 4.31 किलोमीटर से बढ़कर 4.94 किलोमीटर होने के कारण परियोजना की कुल लागत अंतर 5960 करोड़ तक बढ़ गई। स्ट्रक्चर ऑफ बोगीबील ब्रिज। पुल की डिजाइन में 125 मीटर के 41 स्पेन और मिश्रित वेल्डेड स्टील ट्रस्ट और प्रबलित कंक्रीट का एक अधिरचना है। इसके निचले डेक पर डबल लाइन 5 फीट 6 इंच यानी कि 1676 mm ब्रॉडगेज रेलवे और ऊपरी डेक पर 3 लेन सड़क ले जाने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके सामूहिक महत्व के कारण इसे टैंकों और विमानों की आवाजाही को ध्यान में रखकर भी बनाया गया था। यह भारत में सबसे लंबा संयुक्त रेल और सड़क पुल है और ब्रह्मपुत्र पर असम में दूसरा सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु के बाद, जो 9.15 किलोमीटर लंबी है। रिवार के ऊपर बना हुआ ये बोगीबील ब्रिज के बारे में थोड़ा मैंने बताया, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही मैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के साथ, अलग अलग वीडियो के साथ, अलग अलग डॉकोड्रामा लेके आऊँगा आप लोग के पास। तो दोस्तों आज यही रखता हूँ और फिर मिलता हूँ अलग अलग नए वीडियो के साथ। चलो बाय बाय।